सिर्फ भाजपा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बसपा भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और इसके तहत बसपा बड़े प्लान पर काम कर रही है। पार्टी इस बार मुस्लिम वोटर्स के साथ ही बड़े स्तर पर युवाओं पर दाव लगाना चाहती है। इसके लिए पार्टी युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बना रही है। हम 2024 को लेकर के पूरी गंभीरता के साथ प्रत्येक दिन हमारी बूथ लेवल के ऊपर मीटिंगें आयोजित हो रही हैं और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं पार्टी का समर्थन मजबूत कर करके। दरअसल यूपी में चार बार सरकार बनाने वाली बीएसपी पिछले 11 साल से राज्य से सत्ता के बाहर होने के साथ ही धीरे धीरे अपना जनाधार खोती जा रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और पार्टी इतिहास की सबसे बड़ी हार को झेला। इस चुनाव में पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ी और सिर्फ एक पर जीत दर्ज कर पाई। इससे पार पाने के लिए बसपा ने आजाद समाज पार्टी की दलितों के बीच बढ़ती बैठ को बेअसर करने की योजना बनाई है। बसपा की ये भी कोशिश है कि मायावती की कोशिश चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोगों को बसपा में शामिल करने की है। एक मिशन बनाया गया है। ये भी कहा गया है कि जो आजाद समाज पार्टी के युवा वोटर हैं वो बसपा में आते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, बूथ कमेटियों की जिम्मेदारी दी जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चालक को उत्तर प्रदेश का प्रभार देने का मन बना लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा ने गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल को गुजरात विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ जीत का श्रेय दिया जा सकता है और माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें गुजरात से बाहर बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रही है और सीआर पाटिल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर 2024 लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने वाला ही दिल्ली की सत्ता पर राज करता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पूर्वांचल के गाजीपुर से कल मिशन 2024 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का, वो है कि हम अब की आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में भी कायम है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिस वजह से भाजपा का मिशन 2024 के लिए यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है। उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें हैं 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी विदेशी प्राप्त करेगी। 22 जनवरी को लखनऊ में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी लोकसभा चुनाव का रोडमैप तैयार करने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव के साथ बिछने लगी, एक तरफ जहां भाजपा का पूरा फोकस मुस्लिम वोट पर है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ने में जुटा। संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस तरह लंबे वक्त से मुस्लिमों के हित में बयान दे रहे हैं, अब उसी रणनीति के तहत संघ ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर वाराणसी में विशाल भारत संस्थान के बैनर तले जलसाए उलेमाए इस्लाम का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ने पर खास फोकस रहा। सभी धर्मों के लोगों से, सभी दलों के लोगों से निवेदन करता हूं कि बांटना, भड़काना और फालतू की बयानबाजी करना ये ना करें। दरअसल संघ की कोशिश पूर्वांचल के मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ने की है, जहां सुन्नी समुदाय का बड़ा वोट प्रतिशत है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए संघ ने इस पर अभी से काम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में संघ प्रचारक ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने भारत जोड़ने के लिए यात्रा की और उन्होंने ही अपनी यात्रा को नफरतवादी बना लिया। सिर्फ संघ ही नहीं, भाजपा भी लगातार मुस्लिम समुदाय को साथ जोड़ने पर काम कर रही है। यूपी उपचुनाव में पसमांदा फॉर्मूला हिट होने के बाद अब भाजपा 2024 में भी इस रणनीति पर काम कर रही है। आज अल्पसंख्यक का विश्वास, साथ, आशीर्वाद, सहयोग मोदी और योगी सरकार में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।